संभल रजा हुसैन मुठभेड़ में गोवध करते अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा। संभल पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी को लगी तस्कर की गोली। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक पशु तस्कर घायल। तीन पशु तस्कर जंगल में कर रहे थे गौवंश हत्या। पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों, तीन अवैध असलाह में कारतूस, एक मोटरसाइकिल, पशु कटान करने के उपकरण के बरामद। गोली लगने से दोनों घायलों को उपचार के लिए भेजा। जनपद अमरोहा के सेदनगली का रहने वाला है शातिर पशु तस्कर चांद और उसके दो साथी संभल के रहने वाले थाना असमोली के मंसूरपुर माफी में हुई मुठभेड़। पुलिस ने पशु को जिंदा गौशाला भिजवाया। पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस बल मौके पर। दरअसल पुलिस की मुश्ती के चलते पुलिस मंसूरपुर के जंगल में गश्त कर रही थी। बाइक चक्रेश मिश्रा। थाना असमौली में ये मंसूरपुर माफी चौकी क्षेत्र में गौ तस्करों के साथ अभी सुबह पुलिस की मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर हम लोग की रात में हम लोग पेट्रोलिंग लगा रहे हैं जिससे कि कोई लोग गौ तस्करी ना कर सकें। आज सुबह ये कासिम, मोहसिन और चांद, ये तीन लड़के ये बछड़े के साथ में यहाँ पर पकड़े गए। इनको जब घेरने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इनमें से जो चांद है उसके पैर में गोली लगी है, उसको उपचार के लिए भेज दिया गया है। बाकी दोनों भी मौके पर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, तीन अवैध शस्त्र, कुछ कारतूस और एक बछड़ा बरामद हुआ है। इस बछड़े को गौशाला भेजा जा रहा है, साथ में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। चांद का आपराधिक इतिहास पता चला है, ये सैदनगली का रहने वाला है और वहीं से इसका आपराधिक इतिहास है। बाकी दोनों जनपद संभल के निवासी हैं, उनकी भी आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। धन्यवाद।